नारायण सेवा संस्थान एवं सेवा परमो धर्म संस्थान द्वारा हृदय रोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त निर्धन एवं असहाय बच्चों का भारत के विभिन्न अस्पतालों में निशुल्क इलाज किया जाता है। मेरा नाम मीरालाल यादव है। मेरी माँ का नाम राधेई है। मैं गांव में बहुत दवा किया, फिर उसके बाद पता चला तो इनको हार्ट का प्रॉब्लम निकला, डोल नहीं पाती है, बहुत तकलीफ है। इन पथराई सी आंखों का दर्द जानकर हर कोई सिहर उठता है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, 100 रुपया कमाता हूँ एक दिन में। अभी इनका भी कभी कभी का ऐसा होता है कि भी प्राण निकल जाएगा। डॉक्टर बोला 1.5-2 लाख रुपया लगेगा। फिर मैं बोला मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है, ज़्यादा कमा भी नहीं सकता हूँ, रिक्शा ही चलाता हूँ, 100 रुपया ही कमाता हूँ, लेकिन इसमें परेशान हूँ मैं, इसका दवा भी नहीं कर पाता हूँ पूरा बराबर। मेरे माता को घबराहट होती है, चलने में पूरा आफा छूटता है, बैठ जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर चलती हैं, फिर घबराहट होने लगती है, बोलती है अभी प्राण जैसा नहीं, घबराती है निकल जाएगा। हर पल मौत के अंदेशों में घिरी एक लाचार जिंदगी मानो दुख ही नियति बन गया हो। मेरे पैसे की आमदनी भी नहीं है, खेती भी नहीं ज़्यादा है, एक ही बीघा सिर्फ है, उसको बेच के भी मैं अपनी माँ का इलाज कराने भर के भी पैसा नहीं हो पाएगा, मैं क्या करती हूँ। ऐसा नहीं कि इलाज मुमकिन नहीं, पर 100 रुपए कमाने वाला एक बेबस बेटा अपनी माँ का इलाज कराए तो भी कैसे। खुशहाली का रास्ता ताकती आंखों और कांपते हाथों का सहारा बना सेवा परमो धर्म ट्रस्ट। हमारे माँ के यहाँ संस्था ने जयपुर भेजा, वहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ, 5 घंटा ऑपरेशन हुआ, और एसी में चार दिन थी, फिर उसमें से दूसरे वार्ड में गई, एक पैसे नहीं लगा। दान दाताओं का करुणामय संकल्प ले आया खुशियों की सौगात इस अभिशप्त जीवन में। बहुत अच्छे से हमारा रियाज है, वो हमके खाना पीना कुल हमारा अच्छे से। ऑपरेशन के पहले हम बहुत परेशान रहे। हुआ निशुल्क सफल ऑपरेशन, आज राज देवी पूर्ण स्वस्थ है। बहुत काम अच्छा होता संस्था की तरफ से, हमारे धन्यवाद।